सिटी में ही एक लड़का है जिसके टेस्टिस मिसिंग की एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमने यूट्यूब में ऐसे ही एक वीडियो देखी, हमें पता चला कि एक स्टार हॉस्पिटल है जो जालंधर में है। तो जब हम यहाँ पर आए दोबारा तो डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवाली से मिले, तो उन्होंने कहा कि डरने की बात कुछ नहीं है, ये ऑपरेशन नॉर्मल ही है, हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। टेस्टिस मिसिंग की एक प्रॉब्लम थी। जब हमें ये पता चला तो सबसे पहले हम टंडा मेडिकल कॉलेज में गए, उधर की उसकी सारी इसकी फॉर्मेलिटी शुरू की। तो उधर हमें MRI के थ्रू ये पता चला कि इसकी टेस्टिस जो है वो पेट में है। तो जब ये लास्ट में पता चला तो उन्होंने, जब ऑपरेशन करने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, इसको PGI ले जाओ। PGI में पहुँचने के बाद जब हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि अब अभी तक ये 1 साल का नहीं हुआ है, जब तक 1 साल का नहीं होता तब तक वेट करो। जब 1 साल का पूरा हो गया तो उसके बाद हम PGI द्वारा गए। PGI में डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें पूरी करने के बाद, रिपोर्टें चेक करने के बाद लास्ट में यही हुआ कि अभी तक केस बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण उन्होंने हमें थोड़ा डिले कर दिया और कहा कि फ़ोन करके बताएंगे और बुलाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। उसके बाद हम शिमला गए। शिमला में भी उन्होंने रिपोर्टें तो चेक करने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि अभी टाइम लगेगा, हमारे पास इससे ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं, तो आप भी कहीं और ऑपरेशन करवा लीजिए, अगर यही करवाना तो अभी वेट करो। उसके बाद हमने यूट्यूब में ऐसे ही एक वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि एक स्टार हॉस्पिटल है जो जालंधर में है। तो जब हम यहाँ पर आए दोबारा तो डॉक्टर जसमीत सिंह आलूवाली से मिले, तो उन्होंने कहा कि डरने की बात कुछ नहीं है, ये ऑपरेशन नॉर्मल ही है, हम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस एक दिन वैसे ही हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ, तो हमने सारी रिपोर्टें जल्दी से, उन्होंने जैसे हम यहाँ पर 10 बजे के आसपास पहुँचे, 1 बजे तक सारी रिपोर्टें ओके होने के बाद उन्होंने 2 बजे के आसपास ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 4 बजे के आसपास हमें हमारा पेशेंट दे दिया था। तो उसके बाद हम नाइट में हमने यहीं स्टे किया, बहुत अच्छा लगा, हॉस्पिटल भी बढ़िया है, फैसिलिटी अच्छी लगी, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड। फिर लड़का भी अब जब होश आने के बाद बढ़िया था, फीडिंग भी कर रहा है अच्छा। तो अब हमें दूसरे ही दिन 24 घंटे, अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, डिस्चार्ज मिल जा रहा है, बढ़िया लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी, जिसके बच्चे को या रिलेटिव में जिस किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप स्टार हॉस्पिटल में आइए और अपना ट्रीटमेंट के करिए। थैंक यू।